हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं चटपटे और कुरकुरे मंगोड़े। तो उसके लिए मैंने यहाँ ली है छिलके वाली मूंग दाल। मैंने दो कटोरी ली है, आपको जितने बनाना आप उस हिसाब से ले सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से दो तीन पानी से आप वॉश कर लें और 3 घंटे कम से कम इसे पानी में भिगोएं। अगर जल्दी हो तो थोड़ा गुनगुने पानी में भिगो दें, ये बहुत जल्दी भीग जाती है। देखिए मैंने ऑलरेडी भिगा कर रखी है, इसलिए मैं सूखी वाली हटा दे रही हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालकर पीसते हैं वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और अगर कम तीखा खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लिया है, देखिए, ढेर सारा अदरक, अदरक के बड़े बड़े टुकड़े जो हम मूंग के साथ ही पीस लेंगे, और लाल मिर्च है पिसी हुई, हल्दी और हींग, हरी धनिया हम लास्ट में डालेंगे, इसे हमें पीसना नहीं है। तो चलिए मैं इसे एक जार में डाल लेती हूँ। मैंने मूंग का एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है, मैं इसे पीसूंगी। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं करना है, कुछ दरदरी भी रह जाए, कुछ थोड़ी खड़ी सी भी रह जाए, इस तरह से पीसेंगे। देखिए मैंने मूंग को पीसा है, इसमें आप देख रहे हैं थोड़ी सी मूंग खड़ी भी है और थोड़ी सी पेस्ट भी बन गई है, मीडियम भी है, इस तरह से मिक्स हमें पीसना है। मैं इसे हटाकर इसमें बाकी पीस लेती हूँ। और अब हम जब पीसेंगे तो इसी में हरी मिर्च अदरक डालकर ही हम उसे पीसेंगे, तो साथ में सब पीस जाएगा एक साथ। इसमें हमने डाल दिया अदरक और हरी मिर्चें, हमें सब एक साथ डालकर पीसना है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हरी मिर्ची और अदरक के साथ हमने इसे पीस लिया है, बहुत अच्छे से बारीक पीस गए हैं हरी मिर्च और अदरक भी। बची हुई मूंग दाल डाल के मैं लास्ट एक बार और पीस के फिनिश कर रही हूँ इसे। देखिए हमारी सारी दाल पीस गई है। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च और हींग डाल दी है मैंने यहाँ, और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे मंगोड़े में थोड़ा सा तेज नमक ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है नमक। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें लहसुन भी डालना पसंद करते हैं, तो अगर आप लहसुन डालना पसंद करते हैं तो जब हमने अदरक और हरी मिर्च डालकर इसका पेस्ट बनाया था तभी आप लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं लहसुन नहीं डालती हूँ इसमें, मुझे वैसे पसंद आता है। तो मैं इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, ये चीज़ें हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं चम्मच की बजाय। अच्छी तरह से नमक और सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब हम बनाने वाले हैं इसके मंगोड़े। अब हम इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाकर डीप फ्राई करेंगे। देखिए अब कढ़ाई में तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे मंगोड़े इस तरह से बना लेंगे। साइज आपके ऊपर है, आपको कितने बड़े मंगोड़े पसंद हैं। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, कुछ लोग थोड़े बड़े भी बनाना पसंद करते हैं। नमक आप इसमें तभी डालिए जब आप तलने लगें, वरना नमक पानी छोड़ देता है और हमारा बैटर जो है वो बहुत पतला हो जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि आपने पहले से नमक डाल दिया है और आपका बैटर बहुत पतला हो गया है, तो आप उसमें फिर थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं।
थोड़ी देर बाद ही इन्हें टच करें वरना ये टूट जाएंगे। तो हल्के से जब ये तल के थोड़े टाइट हो जाएं तब हम इन्हें तल छुएं। देखिए और अच्छे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से थोड़ा तेल निथारते हुए इस तरह से। फ्रेंड्स मंगोड़े बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।